बिसमीम्स होप यू ऑल आर फाइन एंड फाइनली अलहमदिल्ला वी आर रीच टू द बी आर एस फ़िजियोलॉजी चैप्टर थ्री कार्डियो वेस्कुलर फ़िजियोलॉजी एंड द पेज नंबर इज़ सिक्सटी सेवन सो पेज नंबर सिक्सटी सेवन पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम एंड इन दार्डियो वेस्कुलर सिस्टम अगर आप पेज नंबर सिक्सटी सेवन पे देखें तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है इट इज़ द सर्किट ऑफ द काडियो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम ये सर्किट हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सो so, आपको पता है कि हमारे ह्यूमन हार्ट इसके फोर चैम्बर्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट को करके अगर हम देखें तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ़्ट एट्रिया लेफ़्ट वेंट्रिकल सो जो हमारा राइट साइड है ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम होल बॉडी और जो लेफ्ट साइड हार्ट है हमारा वो पंप करता है ब्लड को टू द होल बॉडी सो so, हमारा जो लेफ़्ट साइड हार्ट है उसे हम कहेंगे सिस्टमिक ब्लड फ्लो क्योंकि ये सारे सिस्टम्स को ब्लड सप्लाई करता है लेकिन जो हमारा राइट right साइड है वो पूरी बॉडी से रिसीव करके हमारे लंग्स को देता है फॉर द ऑक्सीजनेशन सो हम राइट right साइड को बोलेंगे पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्योंकि राइट साइड हार्ट सेंड्स ब्लड ओनली टूवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन वाइल द लेफ्ट साइड हार्ट पम्प द ब्लड टू द एवरी सिस्टम ऑफ आर बॉडी देन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो सो इट इज़ वेरी क्लियर हमारी पूरी बॉडी से जितना भी डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू आता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा में सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा सारा का सारा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड देती हैं आपके राइट वेंट राइट एट्रीएम को राइट एट्री एम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है टू द राइट वेंट्रिकल वी आर द वॉल देर इज अ ट्राई कस्पिड वॉल बिटवीन द राइट एंड द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल एंड दिस ट्राई कस्पिड वेल्व इज नोन एज योर ट्राई कस्पिड वेल्व बिकॉज इसमें थ्री कस्प होते हैं ठीक है एंड फिर हमारे राइट right वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्योंकि आर्टरी का काम होता है टू पम्प द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट सो आपकी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लड लेकर जाएगी टू द लंग लंग में आपके ब्लड की ऑक्सीजनेशन हुई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू वर्ड द लेफ्ट एट्रियम वे फोर पल्मोनरी वेन्स एंड देन दिस देन लेफ्ट एटीएम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट पम्प दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ विया द माइट्रल वेल्व सो हमारे लेफ्ट right, एटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरम्यान में माइट्रल वेल्व होगा एंड देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड पम्प होगा व्या सिस्टेमिक एटा तो होप इट इज़ क्लियर टू यू ये जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है इसमें सारी यही कहानी लिखी हुई है आप पेज नंबर सिक्सटी एट पर देख सकते हैं फिगर थ्री पॉइंट वन इसमें आप देखें अपने लेफ्ट मोस्ट मोस्ट पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वैना कहवा लेकर आए सारा ब्लड राइट एट्री एम में राइट एट्री एम से गया राइट right वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से गया पलमोनरी आर्ट्री के थ्रू लंग में और दिस यहाँ पे ये यह जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड देन पल्मोनरी वेंस फोर पल्मोनरी वेंस आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में माइट्रल वेल्व है विच इज़ कस्पिड वेल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा के थ्रू सिस्टेमिक आर्टरीज में पूरी बॉडी को ब्लड चला गया so this is basically the direction of blood flow then moving towards the hemodynamics hemodynamics is basically the study of the movement of blood in circulatory system that how the blood is moved in the circulatory system so cardiovascular system is comprises of two components your heart and your blood vessels and blood vessels includes what your arteries your veins your capillaries and then between the arteries and the capillaries there are small small arterioles

And it is thick because it consists three layers. And what are these three layers? Tunica, intima, Media and Adventitia. And it has extensive elastic tissues and smooth muscles. And it has high blood pressure. The, the blood volume in the arteries is known as stressed volume because it is under high pressure. Then arterioles, I told you that there is a... स्मॉल small, स्मॉल small between बिटवीन and एंड and एंड are आर द स्मॉलेस्ट of ऑफ आर्टरीज are आर higher साइट ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि आपकी जो thrombus आके बनता है ना अगर ये किसी बड़ी आर्टरी में आता भी है ना तो बड़ी आर्टरी में ब्लड फ्लो का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो मोस्टली थ्रोम्बस को एम्बोलस में कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बस को अपनी साइड से हटा देता है और अपना रास्ता क्लियर कर देता है लेकिन जो हमारी स्मॉल स्मॉल आर्ट्रियोल्स होती हैं ना यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कम होता है जिसकी वजह से थ्रोम्बस अक्लूड हो जाता है और इट इट इज़ एंड दिस इज़ द साइट ऑफ हाइस्ट रेजिस्टेंस इन द कार्डियो सिस्टम

वेन्स आर द लार्जेस्ट वेजल लार्ज वेजल्स जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है और ये थिन वॉल्ट होती हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्री बिकॉज इनमें एडवेंटिशिया नहीं होता सिर्फ दो लेयर्स होती हैं इंटीमा एंड मीडिया एज कम्पेयर टू आर्ट्री वेन हैज़ लो प्रेशर एंड इट इज़ द हाइस्ट पोर्शन ऑफ ब्लड इन द सी वी एस एंड क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है तो इट इज़ इट इज़ द साइड विच इज कॉल्ड एंड वॉलीम एंड इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ एल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं सो होप पेज नंबर सेवन एंड सिक्सटी एट इज़ क्लियर टू यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द मेजर सिस्टम्स बिफोर योर सेप्टेम्बर अटेम्प्ट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माईट वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बसमीम अल्लाम होप यू ऑल आर फाइन